आज सुबह सुबह जब मैं आया तो पता चला कि एफ वालों ने अपनी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन थी जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था उन्होंने वो अनाउंस कर दी है तो मैंने कोशिश की है एक दो घंटे में जितना इसको मैक्सिमम समझ सकूं स्टार्टिंग के इस फेज़ में मैं आपको भेज टाउन कराची डी और डी सिटी की जो कितनी परसेंटेज वाइज इन्होंने चेंज किया है आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आ,

उसमें उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया प्रिसेंट वन टू जो कि विला है प्रेसेंट फाइव मिडवे कमर्शियल और प्रेसेंट एट और नाइनटीन के जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और साथ ही साथ जो जिना एवेन्यू कमर्शियल और मिडवे इनको सेपरेट कर दिया बाकी जो बहिटाउन कराची का जितना भी है चाहे स्पोर्ट्स सिटी पैराडाइज आपके पास 125 गज कहीं भी मौजूद हो उसकी इन्होंने वैल्यूएशन अलग कर दी है अगर आप लोग डाउन कराची में कभी भी इन्वेस्टमेंट किए जैसे आप जानते होंगे कि प्रसेंट एक सौ पच्चीस गज़ का जो प्रसेंट है चाहे आप अली ब्लॉक में परचेजिंग करें जो उसकी पुरानी एफ बी आर वैल्यूशन थी वो चौदह लाख रुपये थी लेकिन अभी इस टाइम जो इन्होंने की है वो आपकी पंद्रह लाख चालीस हज़ार रुपये हो जाती है जो कि मैं चेंज की बात करूं तो 10 परसेंट का इन्होंने चेंज किया है इसी तरीके से सेम 250 गज़ 500 गज़ हज़ार गज़ सब में इन्होंने टेन परसेंट का इंक्रीमेंट किया है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मैंने मेहनत करके बनाई है हो सकता है कि इन्होंने बाद में चेंज कर दें तो चेंजेस कुछ आ सकती हैं लेकिन एज़ पर अभी कैलकुलेशन के मुताबिक ये एफ बी आर वैल्यू होगी जिसमें आपकी ढाई सौ गज़ की तीस लाख अस्सी हज़ार रुपये हो जाएगी आपकी पाँच सौ गज़ की इकसठ लाख साठ हज़ार रुपये हो जाएगी हज़ार गज़ की एक करोड़ तेईस लाख बीस हज़ार रुपये हो जाएगी इसी तरीके से जो आपके विलाज मौजूद हैं आप प्रसेंट टेन के प्रसेंट थर्टी वन परसेंट सत्ताईस इन सब के जो विलाज हैं जो कि डेढ़ सौ गज़ और दो सौ गज़ के ऊपर मौजूद हैं इनकी इन्होंने एफ बी आर वैल्यू में भी वही दस परसेंट चेंज आए और अब इस टाइम सत्रह लाख सतासी हज़ार पाँच सौ रुपये आपकी इसमें आ जाएगी एक सौ पच्चीस गज़ वाले विला में और दो सौ गज़ वाले में अट्ठाईस लाख साठ हज़ार रुपये आपकी आ जाएगी अच्छा अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जो इस दफा इन्होंने चेंज किया है ये आप अपनी स्क्रीन पे देखें जो पूरे कराची का चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है उसमें इन्होंने ये प्रिंट प्रिशेंट वन प्रसेंट एट आपके जो कायद विला इकबाल विला और आपके अपार्टमेंट टू बेडरूम इसको कराची की जो ए वन कैटेगरी के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी वन आती है उसमें इन्होंने उसको फॉल कर दिया है जिसकी वजह से प्रिशन वन और प्रिशन एट जो कि ढाई सौ गज़ के ऊपर है उनकी पुरानी जो एफ बी आर वैल्यू थी वो अट्ठाईस लाख रुपए थी लेकिन अब जो जो लोग प्रिशन वन और एट में जब बाइंग करेंगे तो उनको जो एफ बी आर वैल्यू देनी पड़ेगी वो पिचहत्तर लाख रुपये की देनी पड़ेगी जो कि चेंज आ गया वन सिक्सटी सेवन परसेंट का चेंज आ चुका है इसकी एफ़ बी आर वैल्यू में अब आप अपार्टमेंट को देख लें अपार्टमेंट भी इन्होंने इसी तरीके से आ, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रखा है फर्स्ट कैटेगरी में ये फॉल हो रहा है लेकिन इसका रेट कम हो गया है जिसमें जो चेंज आया है वो तकरीबन 7.14 परसेंट के करीब चेंज आया है जो कि अब एफ़ वैल्यू जो होगी वो आप समझें ट्वेंटी एट लैख आपकी टू बेडरूम अपार्टमेंट में होगी थ्री बेडरूम में आपकी अट्ठाईस सिक्सटी सेवन लैख फिफ़्टी थाउजेंड और फोर बेडरूम में एट्टी एट लैख फिफ़्टी थाउजेंड की इसकी एफ़ वैल्यू होगी अब मैं आप लोगों को जो कमर्शियल है उसका बताता जाऊं तो कमर्शियल को भी इन्होंने उसी तरह कैटेगरी में टॉप प्रायोरिटी वाली कैटेगरी में रखा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उसमें भी चेंज आ चुका है तो ये सब आपने देख लिया होगा इसमें मैं आपको बताऊं कि मैं हैरान हूं कि इन्होंने प्रसेंट एट को दिया प्रसेंट सिक्स को इस तरीके से कैटेगरी में फॉल नहीं करवाया लेकिन आप इस बात को देखें कि एफ बी आर भी भैया टाउन कराची को अब कराची की जो नंबर वन प्रॉपर्टी है उसके साथ कंपेयर कर रही है लोग भैया टाउन कराची को शायद आ, शायद बहुत ही लिनेंट ले रहे थे लेकिन वो डे बाई डे इंक्रीज़ करती जा रही है आने वाले वक्तों में ये सारे प्रसेंट जो हैं वो ए कैटेगरी में पहुंच जाएंगे फ़िलहाल अभी उन्होंने वन कैटेगरी में इसको फॉल करवाए कुछ प्रसेंट्स को तो अगर आप लोग भैया टाउन कराची में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आप लोग ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आज आप कम से कम एफ वैल्यू पे करके और बहुत अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा घर बना सकते हैं डी सिटी को जब आप देखेंगे तो डी सिटी में सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं उन सबको जो उनमें चेंज आया है वो टेन परसेंट का उनमें चेंज आया है उसमें उन्होंने हायर कैटेगरी किसी को भी अलॉट नहीं की जहाँ तक डीएचए की मैं बात करूँ तो डी एच ए की पूरे की पूरी जितने भी फेजेस हैं उन सब पे अलग अलग उन्होंने फर्स्ट डे से कैटेगराइज़ किया हुआ है उन सब में भी जो चेंज आया है वो मैक्सिमम साढ़े बारह परसेंट साढ़े बारह परसेंट और ये बीस परसेंट के करीब लगभग मैक्सिमम बीस परसेंट के करीब चेंज आया है तो फिलहाल जो लोग काफ़ी ज़्यादा इस मामले में कन्फ्यूज़ थे के एफ बी आर वैल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है पता नहीं कितना एफ बी आर टैक्स चार्ज करना शुरू कर देगा क्योंकि जब पी टी आई की गवर्नमेंट आई थी तो दो हज़ार अट्ठारह में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चेंज किया था लेकिन फ़िलहाल एज़ पर कमिटमेंट हर साल दस परसेंट जो बढ़ाने की बात थी उन्होंने उसी चीज़ को फॉलो किया है और हर जगह के दस दस परसेंट या बारह परसेंट के करीब एफ़ बी आर वैल्यूशन उन्होंने इंक्रीज़ की है नीचे दिए हुए लिंक में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की चैट का आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है आप लोग उस पर क्लिक करके ये मेरी जितनी भी रिसर्च है या जो ये एफ की पी फाइल है ये आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखिएगा नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें खुदाफिज